ये वाला था एंड यहाँ से व्यू देखो एक बार, ये भी गेस्ट हाउस है अपना। रिवर क्रॉस करके इस साइड में आया करो भाई, देखो इस पत्थर पे यार, इस पत्थर पे चढ़ा दिया। कार के लिए थोड़ा रिस्की, आराम से लाओ यार। बस 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 काट के देखो यहाँ तो दोनों देखना, दोनों पहिया। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विथ अ न्यू ब्लॉग एंड दिस इज एपिसोड सेकंड एंड नाउ वी आर इन कसोल। और ये हमारा स्पीति ट्रिप प्लस ऑफबीट हिमाचल ट्रिप होने वाला है। सो हमने लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कसोल में आके स्टे ले लिया था। सो अभी एक छोटा सा झलक देख लो हमारे स्टे से, मीन्स हमारे रूम से। ये देखो भाई, कसोल इन जून 2023 कुछ ऐसा दिख रहा अभी। और रात को ना थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हुई थी, मीन्स हल्की हल्की बूंदा बांदी। और भाई देखो अभी रेडी हो रहा है। क्या भाई इतना लेट क्यों? भाई क्या करोगे, ऑफिस वाले लोग, रात को जल्दी सो जाने वाले लोग, पार्टी में ना बैठने वाले लोग। अरे कल थक गए थे, इतना ड्राइव करके आते 600 किलोमीटर। 600 तू ही किया था क्या? मैं भी तो हाफ किया था। हम लोग भी तो किए थे 300 किलोमीटर। हाँ, लेकिन यही था कि इन लोगों का फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग ड्राइव किया इन्होंने, ये बंदा और ये बंदा है। तो अब मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है भाई, पहाड़ों में भाई संभाल लेगा इन दोनों का, लेकिन भाई इनको भी मिलेगा अब ड्राइव करने। नहीं फ्रंट पर बैठने फट जाती है। हाँ भाई, कसोल का इतना नैरो है रोड, इतना ज्यादा नैरो है, और इतना सब सेम स्पीड में ऐसा मूव करते हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। तो जो थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा उसको लेकर आओ, अगर खुद का कार ड्राइव करके आ रहे हो। ये इतने लंबे हैं, इनका डोर छोटा पड़े रूम का मतलब। अब चलो आपको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, बाहर का एंजॉय करो आप, व्यू बहुत ही तगड़ा है। हाँ, सीनिक व्यू, सीनिक व्यू, सीनिक व्यू। और एक बंदा पता है ऑफिस ऑफिस के काम से परेशान है। चलो काम तो है, एक घंटा काम है। एक घंटा इतना करोगे क्या? ये लोग अपना स्टे देख लो यार, यहाँ पे दो कॉटेजेज है जिसमें हमारा ये वाला था एंड यहाँ से व्यू देखो एक बार। यहाँ पे सामने आप फुल पार्टी एंजॉय कर सकते हो, बोनफायर कर सकते हो रात को। ये भी गेस्ट हाउस है अपना, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे है अपना सिवा प्लैनेट गेस्ट हाउस एंड कैफे। भैया लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, मुकेश भैया और भानु भैया। और वो रहा अपना किचन, वहाँ पे वॉशरूम एक्स्ट्रा फॉर पब्लिक। और खूबसूरत जगह पे है, और कसोल में इतना खुला स्टे तो नहीं मिलने वाला। और इनका ही प्रॉपर्टी कलगा में है, तो हम वहाँ जाके स्टे लेने वाले हैं। कलगा कलगा ना, हाँ मतलब वो यहाँ से लगभग 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है क्या। और अभी पहले तो हम लोग मणिकरण जाएंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे कलगा। सारा सामान पैक हो चुका है, हम लोग अभी 12 के आसपास हो रहा है टाइमिंग, चेकआउट कर रहे हैं। वैसे 11 ही चेकआउट टाइम है, बट 12 हमने भैया से बोला था, भैया थोड़ा देख लो यार। और थोड़ा नदी नीचे साइड पड़ता है, बट बहुत खूबसूरत है। तो चलो निकलते हैं, अभी कार के पास लेके जाना है ये सारा लगेज हमको। और कार पार्क्ड है रिवर के पास, क्योंकि हमको उधर स्टे नहीं मिला था, लेकिन ये ज्यादा खूबसूरत लगा रिवर के साथ साथ। नहर में नहाने आए थे, अब जा रहे हैं, सब अपने अपना गमछे टांग लिए। नहर बहुत डेंजर भाई, चलो ना, नदी है वो। हाँ चलो अभी मनु, चलो बैग ले ला।
नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिवर, अपना कार वहीं पे पार्क है। अभी अपने को ना एक लोहे का ब्रिज क्रॉस करना है भाई। पहले यहाँ पे लकड़ी का हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, दिखाता हूँ मैं आपको आगे, बट अभी ग्लेशियर्स पिघले है ना, क्योंकि देखो किसी भी माउंटेन्स पे स्नो या ग्लेशियर कुछ भी नहीं है, तो पिघले है ना, तो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हुआ है और ब्रिज पता है टूट गई है वो लकड़ी वाली। तो अभी इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिया है ब्रिज का। तो आप रिवर क्रॉस करके इस साइड में आया करो, इधर ज्यादा वाइब है नहीं। और ये जो लोकेशन है ना, ये बेसिकली अगर कसोल मार्केट उससे पहले पड़ता है, मैं बता देता हूँ आपको डिस्टेंस, यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा कि कितना पहले पड़ता है। तो देखो रिवर का फ्लो देखो, क्या हुआ, डर लग रहा विक्रांत, डर लग रहा। और जो ATS कैफे है ना, जो बहुत फेमस है रील्स वगैरह पे, वो इधर ही है, इसी साइड में। ये फ्लो का आवाज सुन के ओ वाओ, ये बॉय, लास्ट टाइम राहुल टकरा गया था इसी रोड पे, याद है? हम लोग ब्लॉग देख के मजे लेते, उसका टकरा गया था चलते चलते पेड़ में। सो भाई लोग, दिस इज द ब्रिज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। पहले वहाँ पे आगे थोड़ा सा लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था, हैंगिंग ब्रिज, बट अभी इन्होंने प्रॉपर आयरन ब्रिज डाल दिया है। देखो यार भाई लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, पहाड़ों की लाइफ इतना इजी नहीं होती है भाई, जितना हम लोग आके इधर मस्ती करके चले जाते हैं ना। देखो इनको, और उस साइड व्हीकुलर मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ से ऐसे ब्रिज से लोग लेकर जाते हैं। सोचो मैं तो ये दंग हूँ ना, इतना प्रॉपर्टी इतना कैसे बिल्ड किया गया है यहाँ पे। बाइकर्स भी बहुत है यहाँ पे, फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एंड ये देखो यहाँ पे एक ये भी है, इससे आप रिवर क्रॉस कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर मैं नहीं जानता, कोई भाई लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। भाई पार्वती वैली ना मेरे को बहुत पसंद है बहुत, बट ये सब अगर ये जो यहाँ पे होता है आप सब लोग जानते हो क्या होता है कसोल में, ये सब नहीं होता तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि बहुत सुकून चाहते हैं पहाड़ों में आकर। बहुत खूबसूरत है, बट पूरा कमर्शियलाइज हो चुका है ये जगह। एंड भाई हम सारा सामान लेकर कार में जा रहे हैं, लोड करेंगे कार को फिर यहाँ से निकलेंगे आगे मणिकरण के लिए। और कार हमारा रिवर के इस साइड मीन्स रोड के साइड में पार्क थी। देखो आप लोग पीछे देख सकते हो सारी कार्स पार्क्ड है, खूब सारी कार्स पार्क्ड है यहाँ पे। और ये सारे बंदे जितने लोगों का भी कार है ना, सब रिवर के उस साइड जाके स्टे लिए। और हम दो बार रिवर के उस साइड स्टे लेना चाहते थे बट हमको मिला नहीं, और हम सोच रहे थे कैसे जाएगा कार वहाँ तक, बट इस बार हमने लिया। और जिन भैया के गेस्ट हाउस में हम स्टे किए थे उनका ये गेस्ट हाउस इस साइड में भी है, तो जिनको रिवर के उस साइड नहीं जाना है वो इधर वाला चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स रहेगा, तो आप एक बार जाके चेक कर लेना। और कसोल में भाई चार्जेज वेरी करते हैं सीजन वाइज, सो उसका आप लोग देख लेना यार, नहीं तो ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकता है। सो अपन अभी पहुंच गए अपने टाटा पंच के पास, सो अभी लोड करते हैं यार ये सब जो भी है ना लगे और निकलते हैं यहाँ से। और भाई कार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बढ़िया कार है। तो भाई चलो फर्स्ट स्टार्ट देते हैं पहले कार को। भाई क्या हो रखा है यार, गाड़ी आगे हल्का भी स्पेस है, देख ना कितना, एक हाथ तो होगा ना, एक हाथ तो होगा ना। भाई इधर इतना कार है ना भाई, सही है अब भाई ये गाड़ी चाहिए। हाँ हाँ इनको निकलने तो दो भाई, पूरा नीचे से ऐसा तगड़ा भीड़, हट हट विक्रांत, खतरनाक पत्थर पे चढ़ो, अरे बाप रे बाप भाई, देखो इस पत्थर पे यार, इस पत्थर पे चढ़ा दिया पूरा नीचे का बेस ही भिड़ा दिया भाई ने। उतारा था मैंने, ऐसे ले लूंगा मैं, टेंशन मत ले। उतारा कहाँ से था, वो साइड से? हाँ हाँ भाई साहब खतरनाक, देखो भाई खतरनाक, मतलब कार के लिए थोड़ा रिस्की, आराम से लाओ यार। भाई ने तो जो ही भिड़ाया ना कार, क्या हो पार कर लें? हाँ एक ही हाथ से भाई, क्या लगता है पार कर लेगा भाई तेरा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यार, ये लोग इन लोगों को ना यकीन ही नहीं हुआ अभी तक। अभिमन्यु क्या गुरु, क्रॉस हो गया अच्छे से भाई? वो कितना खतरनाक भिड़ी लगा यार वहाँ पे, बूम से आवाज आया नीचे से। निकल गई लोकर करवा यही ज्यादा बना, देखा स्टाइल एकदम बाबा वाला। अच्छा चरस वाला, चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा। क्या गुरु ठंडा है बे, कितना ठंडा है गुरु, लेफ्ट से लेफ्ट से लेफ्ट से, किधर लेफ्ट से? ठीक है टच नहीं हो रहा ना बेस, बस 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 काट के। देखो यहाँ पे भाई यहाँ बताना रे, पीछे वाला चक्का किधर जा रहा है, घुमा ले, काट, चल
इजी इजी टेक इट इजी ब्रो। ये वाला व्हील ना बोलना, ये वाला चक्का उसपे नहीं चढ़ने देना, ज्ञान बोलना। दोनों दोनों देख, दोनों देखना, दोनों पहिया। आगे आगे आगे। ओ भाई साहब, यहाँ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। भाई ये जो है ना पार्वती फूड कैंप, ये भी उन्हीं का प्रॉपर्टी है। ये रोड से बहुत ही नीचे ही है, बस इधर रोड है ऊपर में, यहाँ पे यहाँ से नीचे आओ और ये वाला कैंप ले लो। मैं लोकेशन तो डाल दूंगा दोनों कैंप्स का, बट इसका फ्रंट पे है रिवर से पहले, और जहाँ पे हमने स्टे लिया था वो रिवर को क्रॉस करने के बाद मिलेगा आपको। देखो यहाँ से ऐसा है रास्ता, पहले जाने दो हेलटॉस को, जाने दो पहले। भाई गजब ही इंक्लाइंड है यहाँ पे, ऐसे है पूरा। अगर आप देखो तो ऐसे कैमरे में पता नहीं पड़ता है, वो रहता ना कि हट जाते हैं। फिर खड़ा है वहीं पर। अरे भाई जा, जा भाई। अबे मार। देखो ये नैरो सा रोड सामने, बहुत पंगा है भाई। Now we are in Kasol Market. Parking ढूंढना मुश्किल है यहाँ पे, यार लगा दो क्या गेट के पास। अबे देखो ज्यादा आगे जाके कार पार्क करने से क्या मतलब। तो भाई लोग Now we are in Kasol Market. ऐसे हिमाचल में किसी भी मार्केट में अगर कुछ आपको सामान लेने का है ना, किसी भी टाइप का, तो रीजनेबल प्राइस मिल सकता है, बट अगर आप बार्गेनिंग कराओगे तो पता है डबल ट्रिपल प्राइस बोल रहे हैं ये लोग, बट बार्गेनिंग करके आप ले सकते हो जितना जो बार्गेनिंग कराया फायदे में, नहीं तो फिर बहुत खतरनाक लॉस लगने वाला। नहीं विक्रांत अंकल सही प्राइस पे दे दो यार, ले लेंगे। कसोल मार्केट में जो भी लेना ले, इधर नाश्ता करेंगे और निकलेंगे डायरेक्ट मणिकरण। भाई कसोल से अब हम निकल रहे बाहर, ये ब्लॉग यही तक, और अब आप इंजॉय करना एपिसोड 3, दिस इज एपिसोड 2, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। बस।